वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे वीरो, मैं अज तो एक महीना पहला श्री गुरु रामदास चैरिटेबल ट्रस्ट के जिहड़ा आल इन आला डॉक्टर ए पी सिंह, उहदे बारे में एक वीडियो पा के जो मेरे मन का बलबला सीगा मैं सारे भैन भरावां दे सामने लिया और हाई कमांड के मैं ध्यान च लिया और मैं समय समय के नाल एक दो वीडियोज़ पाइया और मैनू मेरे पार्टी दे सीनियर लीडर साहबाना दे फोन आए, साढ़े सत्कार जो प्रधान साहब बादल साहब का भी मैनू फोन आया और मैं उस तो बाद कोई वीडियो नहीं पाई। बादल साहब का जिते फोन आया, मजीठिया साहब नाल गल हुई, डॉक्टर चीमा साहब के फोन आए, सरदार महेशिंदर सिंह के भी फोन आए और उन्होंने मैनू विश्वास दवाया सीगा कि असी एक महीने के विच तेरा कोई ना कोई थोड़े दिनों के विच असी कोई ना कोई इस गल का जिहड़ा मसला हल करांगे, क्योंकि सानू भी पता वा जिहड़ा डॉक्टर है आपदियां मनमर्जियां बहुत वड्डे पद्धर ते कर रहा। और एक महीना बीत जाण दे बाद भी परनाला जिहड़ा वो उत्थे दा उत्थे ही रहा। बड़ा मन नू दुख होया क्योंकि जिस संस्था के विच रह के काम कर रहे हैं, जिस पार्टी के विच रह के काम कर रहे हैं, तो जिस पार्टी की वो संस्था, उस पार्टी दे विच की कुछ हो रहा, उस संस्था दे विच की कुछ हो रहा, तो बड़ा मैनू मन नू दुख होया क्योंकि मैं इहो जिहा बंदा मैं अखी वेख के यार नहीं खा सकता। मैं 15 साल तो लगातार दिन रात, दावे ना कह सकता, मैं दावे ना दिन रात पार्टी की सेवा की 15 साल। सारे शहर नू पता, सारे मजीठे हलके नू पता कि मैं किन्नी रात दिन मेहनत पार्टी की कीती। और अज मैनू पार्टी ने जे किसी हलके दे विच लाया, जिस इलाके दे विच लाया जिथे शहीदां साहब वाला हॉस्पिटल भी उस इलाके दे विच पैंदा, और जो लोग उतों दुखी हो के निकलते आ मेरे कोल आउंदे आ ते मैं अखां बंद कर लवां ते मैं कदी भी जिंदगी दे विच अपने आप नू माफ़ नहीं कर सकदा। कोई फायदा नहीं मेरी इहो जी फिर सेवा करन दा कि जे मैं किसी गरीब नू इंसाफ ना दवा सकिया, किसी गरीब दे मैं दुख सुख दा भाईवाल ना बन सकिया। डॉक्टर साहब तुसी ये गल कहिंदे हो कि मैं किसी नू 1 रुपया लैस नहीं कर सकता, जाके बादल साहब नाल गल करो, उही करनगे जो कुछ करनगे। किसी रिश्के वाला दा तुसी नहीं माफ़ कर सकते, किसी रेहड़ी वाले दा माफ़ नहीं कर सकते, किसी गरीब गुरबे नू। तो फिर रणजीत एवेन्यू च जिन्हां दीआं वड्डीआं वड्डीआं कोठियां, उन्हां दे क्यों माफ़ कीते तुसी पैसे, क्यों करदे हो, उन्हां दा भी जवाब दो। बादल साहब नू दसना सीगा। बड़ी हैरानी की गल हुई कि जो कुछ मेरे नाल रोज़ वापरदा सी वो कुछ सरदार मजीठिया जी दे नाल वापरिया, क्योंकि मेरे एक इलाके का पेशेंट सी, गरीब सीगा। मैं नहीं उन्हें कहता फोन करता, मेरे को बहुत आते दिहाड़ी जी फोन करो गुरु रामदास हॉस्पिटल फोन, भाजी कह दौ साडा उत्थे भैण भरा दाखल है, मैं नहीं करता किसी नूं भी फोन। मैं मजीठिया साहब नूं कहा, शुक्र है उह मालक दा जो कुछ मेरे नाल रोज़ वापरता उही मजीठिया साहब नाल वापरिया। और उन्होंने गुस्से च आ के डॉक्टर बलजीत सिंह की ट्रांसफर कराती, वो 6 दिन की छुट्टी लैके भज गया, कल आ गया फिर वही ज्वाइन कर गया। दसो जे ये मसंद वेर वेर के आ गए फिर इन्हां सीटां ते बहन, फिर मैं अपने सारे लोकल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबानों भी बेनती करदा कि मैंबर साहबान आपां अपने आप नूं माफ़ नहीं कर पावांगे। पता नहीं इह जिंदगी दे 4 दिन आ ते 10 दिन आ, जाना उत्थे ही आ, लेखा जोखा सारिआं दा उत्थे होणा, इत्थे नहीं होणा। पर जे गुरु ने कोई सेवा दिती आ ते इहनूं आपां चंगे लेखे ला दईए। जिहड़ा कोई चंगा बंदा उहनूं एप्रीशिएट करो, जिहड़ा कोई माड़ा वा उहदे जरूर खिलाफ़ आवाज़ चुको। डरो ना, किहदे कोल जा के रोणा ही, हाईकमांड कोल रोणा। आपां दसी हाईकमांड नूं तगड़े हो गए कि की कुछ कर रहे इत्थे, की कुछ बन रहा इत्थे, क्यों ना साडी हाईकमांड गल सुणूगी। पर नहीं, मैं आपदी अज गल करदा, मैं सारिआं नूं छड्डदा एक पासे कि मेरी अजे जमीर नहीं मरी, मैं जागदी जमीर वाला इंसान आ।
जे मैं आपकी अखी जो कुछ हो रहा हॉस्पिटल्स के साड़ी संस्था के हो रहा तो मैं अखा बंद कर जा मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाव। सीधी तो स्पष्ट गल आ हुण एक म्यान दे विच दो तलवारां नहीं रहनी तो ना ही पैनिया। मैं दो दिन होर वेखांगा क्योंकि मैं लोगों की इज्जत का भाईवाल रहा हरेक अफसर के नाल मैं बुरिया बनया कई लीडर साहबाना मैं बुरिया बनया एक आपके इलाके का आपके भैन भरावान का करके जिहड़ा भी कोई मेरे को भैन भरा कहे तो उम्मीद लैके आया मैं उहदी पिठ नहीं लगन दित्ती मैनू चाहे किसी ने भी बुरिया बनना पिया होवे। और मैं सारी जिंदगी ये गल कहना कि जिहड़ा मेरे को उम्मीद रख के आऊगा मैं उहदी पिठ नहीं लगन दिया मेरी हर संभव कोशिश होगी कि उस इंसान की पिठ न लगे। पर अज बड़ी शर्म वाली गल है साडे वास्ते मैं समझदा मेरे वास्ते कि जे मैं अजे भी इन्ह हालातों के रह के लोगों के विचरा हूँ फैसला पार्टी के हथ आ चलो सैकेंड ऑप्शन जे पार्टी समझती है तलबीर सिंह गलत आ तो मैनू पार्टी चो कढ दिओ रखो डॉक्टर उत्थे मैनू कोई इतराज नहीं तो जे पार्टी समझती है तलबीर सिंह सही आ फिर इन्हां डॉक्टरों कढ़ो इन्हां नूं क्यों नहीं तुसीं नत्थ पाउंदे इन्हां नूं कढ़ो बाहर इत्थों हस्पतालां च चलदा करो इन्हां नूं तो जे तुसीं मैनू कढ दिओ पार्टी चो फिर मैं साबित करके दस दांगा कि तलबीर सिंह गलत ही कि तलबीर सिंह सही ही ये पता वैसे सारिआं नूं हैगा। ठीक है जे कोई नहीं बोलता तो वक्री गल आ हुण वी मेरे को सत्कारयोग एक दो मैंबर साहबान मैनू बह के मिल के गए मैं उन्हां नाल गल सांझी कीती आ मैनू डकदे रहे ना भाई वीडियो मैं नहीं भाई साहब मैं कईआं नूं कहा कि नहीं हुण नहीं मैं बर्दाश्त कर सकदा क्योंकि मैं कोई आपके निजी कामां वास्ते नहीं लड़ाई लड़ रहा मैं गरीब लोग भैन भरावां की लड़ाई लड़ रहा उन्हां गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहा मैं सारा कुछ छड़ दांगा पर मैं अखी वेख के जहर नहीं खा सकता अगली अखां के सामने वेख के किसी नूं मैं रोंदा नहीं वेख सकता। यह मेरी हुण पार्टी नूं बेनती आ मैं दो दिन वेखांगा क्योंकि मैं जे लोगों की इज्जत भाई वाले तो मैं आपकी भी इज्जत बरकरार रखनी है मैं वेखना कि मेरी इज्जत किदां बरकरार रही है। जे पार्टी मेरे मगरों कोड नहीं ला सकी हो सकता हूँ मैं अपने आप के मगरों आपे कोड ला लवा हूँ मैं दोवे दिनों के फैसला लवागा। बहुत बहुत धन्यवाद वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह।